हिंदू धोखा है, हिंदू कोई धर्म नहीं। ऐसे में ये भाड़े के बलवान है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। सपा अध्यक्ष की मनाही के बावजूद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा बताया, जिसे लेकर बीजेपी समेत तमाम एनडीए के नेता हमला कर रहे हैं। वहीं योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी मौर्य और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मौर पर क्या कुछ कहा है वो आपको बताएं, उससे पहले कांग्रेस पर संजय निषाद का वो बयान देख लीजिए। दरअसल राम मंदिर उद्घाटन में न्योता न मिलने से पूरा विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। इसी कड़ी में संजय निषाद से यह सवाल पूछा गया कि राम मंदिर का न्योता मिलने पर भी कांग्रेस में असमंजस बना हुआ है, जिस पर उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। जो आदेश होता है वही नेता। आज के दिन में लोकतंत्र की स्थापना, असली लोकतंत्र माननीय मोदी जी के और माननीय नड्डा साहब और भारतीय जनता पार्टी, एक दलित की बेटी को राष्ट्रपति बनाना, एक आदिवासी को, एक दलित आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाना, एक मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना, ये भाजपा में ही संभव है लोकतंत्र। बाकी इनके पास क्या था? अब इनसे निषाद हट गया, यादव हट गया और दलित हट गया, तो क्यों नहीं अब कांग्रेस जीत जाती है। तो सुना आपने, संजय निषाद ने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि कहीं मुस्लिम वोट या ईसाई वोट उनसे हट ना जाए, इसलिए वो निर्णय नहीं ले पा रहे। इसी कड़ी में जब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सवाल पूछा गया संजय निषाद से, तो क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। की बात किया जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो ये कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी में भी लगातार विरोध शुरू हो गया है। आप इसको क्या, आप या एनडीए इसको किस नजर देखते हैं? देखिए, अधर्मी लोग हैं, जनता जनार्दन होती है और ऐसा जजमेंट जनता लेती है और जवाब भी जनता देती है। जवाब ऐसे नेताओं को दे चुकी है 2024 में। वो जिस पार्टी में है, जिस पार्टी के इशारे पर बोल रहे हैं, उस पार्टी को जवाब देने के लिए जनता इंतजार कर रही है। ये तो समाजवादी पार्टी को तय करना है। हमें कोई फार्म छपवाना चाहिए कि हम हिंदू नहीं हैं, हमें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, हमें गैर हिंदू वोट दे दें। तो ऐसे में ये भाड़े के बलवान हैं। दो चार ऐसे और हो जाए जो बचा खुचा समा है, समाप्त हो जाएगी। सपा को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो। बहरहाल, संजय निषाद के बयान पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।